नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव राव। डीएलएड के पर्यावरण अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्यावरण अध्ययन की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले हमें यह जानना पड़ेगा कि पर्यावरण अध्ययन एक संयुक्त क्षेत्र है। संयुक्त क्षेत्र का मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण एक एकल विषय के रूप में होता है। इसमें भौतिक, जैविक, रासायनिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य क्षेत्रों के अनुभव तथा विषय के तत्वों को मिलाया जाता है। तत्वों को मिलाने को समझने के लिए हम उदाहरण के रूप में ले सकते हैं, जैसे भोजन, आश्रय, जल, यात्रा, जो कि हमारे अधिगमकर्ता के इधर उधर होते हैं। इन सभी को हम जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद में हम उनको समझाने का प्रयास करते हैं। भौतिक वातावरण के रूप में आप यहाँ जैसे देख रहे होंगे, दो कक्षाएं हैं। एक ऐसी कक्षा है जहाँ केवल कुर्सी और मेज़ें हैं, खिड़कियाँ हैं, दरवाजे हैं और एक दो अन्य चीज़ें। वहीं दूसरी ओर आप जब देखेंगे तो यहाँ पे बच्चों को बैठने का ढंग ही अलग है। चारों तरफ अध्यापक ने ऐसे अधिगम क्षेत्र का निर्माण किया है जहाँ पे अलग अलग चीज़ें हर समय बच्चों को नए नए अधिगम के लिए प्रेरित कर रही हैं। उनके पास अपने साथ बैठने के लिए अलग अलग साथी हैं जिनको वो समय समय पे बदल सकते हैं, और अपने अगल बगल जब वो देखते हैं तो उनको नए नए चीज़ें दिखती हैं जिसपे वह अपने अनुक्रियाएं कर सकते हैं। सामाजिक वातावरण की अगर हम बात करें तो यहाँ पे दो चित्र हैं। पहले चित्र में अगर आप देखें तो कक्षा में कैसे बच्चे सामाजिक वातावरण बनाते हैं, सृजित करते हैं, उसको देख रहे हैं। बच्चे एक क्लोज्ड लोटस पेटल स्ट्रक्चर, बंद कमल के पत्तियों के तरीके से बैठे हुए हैं, और दूसरे चित्र में अध्यापक के साथ में यह बच्चे बातें कर रहे हैं। सब लोग एक दूसरे को देख सकते हैं, सब लोग एक दूसरे के बातों को सुन सकते हैं। ऐसे कक्षा के सामाजिक वातावरण में आप समझ सकते हैं कि हम सभी अनुभवों को आपस में बांट सकते हैं और देख करके समझ सकते हैं। प्रसंगों के संगठन और मिश्रण में दो या दो से अधिक शाखाओं और विषयों को जोड़ा जाता है। ऐसा करने से बच्चों में विषयों के संबंध में अधिक जानकारी होती है और वह एक विषय को दूसरे विषय के साथ में जोड़ सकते हैं। जब वह जोड़ते हैं तो उनके अंदर उन दो या दो से अधिक विषयों के बीच में समझ पैदा होती है। जब यह समझ पैदा होती है तब वह अमूर्त संकल्पनाओं और उनमें संकल्पों को विकसित करने के लिए तैयार होते हैं। उन संबंधों को वह जान पाते हैं जिन्होंने उनको हमेशा से अपने आसपास देखा है और समझने का प्रयास किया है। हमारा अगला जो विशेषता है हमारे पर्यावरण अध्ययन की, वह है हमारे पर्यावरण अध्ययन का संदर्भित होना। संदर्भित होने से तात्पर्य हमारे पर्यावरण अध्ययन का जो मुख्य संदर्भ है वह है पर्यावरण। पर्यावरण एक स्थान व दूसरे स्थान से भिन्न होता है, अतः पर्यावरण की समझ विकसित करने के लिए अध्यापक को अलग अलग उदाहरण, घटनाएं व अभ्यास को चुनना चाहिए और उनको बच्चों में वितरित करना चाहिए। उदाहरण के तौर पे हम जैसे लेते हैं हमारे भोजन से जुड़ी आदत। पूर्वी क्षेत्रों में भोजन अलग होता है, उसको खाने का ढंग अलग होता है। पश्चिमी क्षेत्रों में भोजन अलग होते हैं और उत्तर के क्षेत्रों में अलग होते हैं। और साथ ही साथ जैसे जैसे हम अपने ही एक क्षेत्र में भी घूमते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि भोजन और भोजन से जुड़ी अन्य आदतें अलग अलग रूप लेती चलती हैं। यह मानना पड़ेगा हमें कि बच्चा जब अपनी कक्षा में आता है तो अपना अनुभव, अपना ज्ञान बोध व समझ साथ ले आता है। इस समझ को वह अध्यापक द्वारा दिए हुए उन अध्ययन पदार्थों और अनुभवों के साथ में जोड़ता है। जब वह जोड़ता है तब वह अपने ज्ञान को विस्तार देता है। ज्ञान को विस्तार देने का मतलब कि अभी तक उसके पास जो अनुभव थे, उसके पास जो ज्ञान था, उनको वो अपने नए ज्ञान के साथ में जोड़ पाता है।
जोड़ने के साथ साथ वो नए संप्रत्यय बनाता है और धीरे धीरे करके उसके ज्ञान का विस्तार होता चलता है। अतः खोज, अवलोकन एवं अनुभव परिस्थितियों का संगठन कर हम व्यवहार में परिवर्तन ला सकते हैं। हमें यह जानने का प्रयास करना पड़ेगा कि बच्चे कब खोजी होते हैं, वो कौन सी ऐसी बातें हैं जिसको देखने का उनको बहुत मन करता है, उनके कौन से ऐसे अनुभव होते हैं जिनको हमें संगठित करने की आवश्यकता है जिससे उनके व्यवहार में परिवर्तन आ सके। हमारे पर्यावरण अध्ययन में अगली जो विशेषता है वह है पर्यावरण अध्ययन का अध्येता केंद्रित होना। वैसे तो हमारे शिक्षा प्रणाली में हमेशा और हर विषय में सभी जो केंद्र हैं वो अध्ययनकर्ता के इर्द गिर्द ही होते हैं। पर्यावरण अध्ययन अध्येता पर अधिक बल देता है। अधिक बल देने से तात्पर्य कक्षा में हमें केवल पढ़ाना नहीं है, हमें उन बच्चों को एक्टिव करना है, सक्रिय करना है, ताकि वह उन बच्चों के साथ में कार्य कर सकें जो उनकी अगल बगल हैं, उनकी बातों को वो सुने, और सुने ही नहीं वो समझें भी। क्यों? क्योंकि केवल अध्ययन की चीज़ों को कक्षा में डालना अध्यापक की जिम्मेदारी नहीं है। बच्चे जब तक सुनी हुई बातों को समझेंगे नहीं तब तक वह इन चीज़ों को अपने व्यवहार में ला नहीं सकते। हमें यह भी समझना पड़ेगा कि पर्यावरण अध्ययन में समझने का जो केंद्र है वह अध्यापक से अध्येता तक पहुँचे। जो बल है वो अध्ययनकर्ता पर हो। हम अध्यापक ही केवल पढ़ाते नहीं रहें, हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों को बच्चों को देते ना रहें, हम बच्चों को उनकी बातों को समझ करके उनकी बातों को उन तक पहुँचाएँ और उसमें अपनी बातों को जोड़ते चलें। प्रयास हमें यह करना है कि अध्येता केंद्रित अधिगम हो, न कि शिक्षण। शिक्षण आवश्यक नहीं है, आवश्यक है कि अधिगम होना चाहिए, और अधिगम तभी होगा जब अध्येता सक्रिय होगा। इसलिए हमें हमारे अध्ययन को अध्येता केंद्रित करने की आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पे कैसे पर्यावरण अध्ययन को अध्येता केंद्रित करना है, मैं एक कविता आपको सुनाता हूँ जो मैंने कक्षा में की। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम। इसको थोड़ा बदल के बोलते हैं। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम। अब इस कविता को जब मैंने कक्षा में कराया तब देखिए, इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे लिखा है वर्षा ऋतु पर कविता करती छात्रा। कविता कहती छात्रा नहीं है, कविता पढ़ती छात्रा नहीं है, कविता करती छात्रा है। इस छात्रा ने इस कविता को करा। आप चित्र में देख रहे हैं, उनमें से ही किसी के पास में छाता था, उसने पढ़ा पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इस कविता को जब उन्होंने पूरा किया तो सब बच्चों ने मिल करके इसके आगे कुछ और भी जोड़ा, पता है क्या? मैं आपको फिर से बताता हूँ। पानी बरसा छम छम छम, छाता लेकर निकले हम, पैर फिसल गया गिर गए हम, धूम धड़ाम धम 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 धम। अच्छा लगा ना? ऐसा ही कुछ हमें प्रयास करना है। हमारे शिक्षण को हमारे ऊपर न आश्रित करके हमें बच्चों को मौका देना है कि वह अधिगम में प्रतिभागिता करें, और वह हमसे कहीं अच्छा कर सकते हैं। उनके पास अपना अनुभव है, उनके पास अपने शब्द हैं, यह जोड़ने का प्रयास कीजिए। हमारी अगली पर्यावरण शिक्षण की विशेषता है कुछ भी सही नहीं है और कुछ भी गलत नहीं है। आप विश्वास मानेंगे, मैं जब पढ़ा करता था तो कई बार मुझे ऐसा लगता था कि जो मुझे पढ़ाया जा रहा है ये और अच्छा पढ़ाया जा सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि ये जो पढ़ाया जा रहा है इसको बदला जा सकता है। मुझे ऐसा लगता था कि शायद जो बातें मुझे कही जा रही हैं ये मेरे लिए अलग है। लेकिन मैं अपनी असहमति नहीं दिखा सकता था। मैं यह भी नहीं कह सकता था मैडम इसको मैं करके दिखाऊं, सर इसको मैं करके बताऊं।
असलियत में हमारे शिक्षण में हमारी अभिव्यक्ति, हमारी असहमति कक्षा में कहीं जगह नहीं पाती। कक्षाएं प्रश्न पूछने तथा तर्क करने को प्रोत्साहित नहीं करती। हमें हमेशा से डरा के रखा जाता है, पूछना नहीं है, अभी रुक जाओ, बाद में बताते हैं, ये भी कोई प्रश्न है पूछने का। हमें इसको परिवर्तित करना है। आपको पता है जब हम यह कहते हैं कि ये प्रश्न मत पूछो, इसको पूछने का अभी समय नहीं है, इसके कई कारण होते हैं। कुछ कारणों को हम समझते हैं। पहला कारण है व्यक्तिगत कारण। शिक्षक को अमुक संप्रत्यय का अनुभव नहीं होता है, मानसिक कारण वह उस अमुक संप्रत्यय का ज्ञान नहीं रखते हैं, भावात्मक कारण शिक्षक जब उस अमुक संप्रत्यय में रुचि नहीं रखता है, नैतिक कारण शिक्षक को उस अमुक संप्रत्यय पर चर्चा करना अनैतिक लगता है। उदाहरण के लिए मैं आपसे कहूँगा, अगर बच्चे पूछते हैं सर पहाड़ में जाकर के कैसा लगता है, तो व्यक्तिगत कारण के रूप में अगर मैं पहाड़ी क्षेत्र में नहीं गया हूँ तो मैं उनको मना कर दूंगा, मुझे नहीं पता। मानसिक कारण से मुझे ऐसा लगेगा कि क्योंकि मैं कभी पहाड़ पे गया नहीं हूँ तो वहाँ पे उसे मुझे उस बात का ज्ञान नहीं है, तो मैं उनको तब भी नहीं बता सकता। और अगर मुझे पहाड़ी जगह से बहुत ठंड लगती है, मुझे मन नहीं करता वहाँ जाने का, तो वहाँ मुझे अरुचि होती है, तब भी मैं उनके प्रश्नों के उत्तर देना सही नहीं समझता और बच्चों को मना कर देता हूँ। और नैतिक कारण से मुझे लगता है कि अगर बच्चों ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्र आप कह रहे हैं कि अच्छा है तो चलिए हम लोग चलते हैं, तो मुझे लगा वहाँ पे जाकर के वो बहुत ज़्यादा मस्ती कर सकते हैं और मुझे बहुत परेशानी हो सकती है और कहीं कुछ गलत ना हो जाए तो मैं उनको मना कर दूंगा, तो ये नैतिक कारण हो सकता है। क्योंकि पर्यावरण अध्ययन एक संदर्भित विषय है, इसलिए कोई एक दृष्टिकोण या मत हर जगह लागू नहीं हो सकता। हमें यह मानना पड़ेगा जो मेरा अनुभव है कोई ज़रूरी नहीं है वह हमारे विद्यार्थियों का हो। जो एक विषय का, एक संदर्भ का कोई एक बात है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह वह चीज़ कार्य करती हो। एक स्लाइड देखिए। अध्यापक बच्चों के साथ में बच्चों को उनकी उत्सुकता और जिज्ञासा को भरने का प्रयास कर रहा है। हमें अगर कक्षा में कोई प्रश्न उठता है तो उस प्रश्न के लिए, उनकी उत्सुकता के लिए, उनकी जिज्ञासा के लिए उनको और जोश देना चाहिए, उनको और प्रयास करना चाहिए कि वो और पूछें। क्यों? क्योंकि कुछ भी गलत नहीं है और कुछ भी सही नहीं है। उन्हें हमें प्रयास करना चाहिए कि वो खोज करते रहें और समझते रहें और जानते रहें और आगे बढ़ते रहें। हमारी अगली जो विशेषता है वह है मूल्य की। बच्चों में पर्यावरण अध्ययन की समझ के साथ साथ उनमें पर्यावरण के प्रति सकारात्मक अभिवृत्तियों व मूल्यों के रोपण के लिए भी कार्य करना चाहिए। क्योंकि खाली ज्ञान दे देने से, अनुभव दे देने से हमारा लक्ष्य पूरा नहीं होगा, हमारे उद्देश्य प्राप्त नहीं होंगे हमसे। हम लोगों को इस बात का प्रयास करना है कि वह जितनी भी समझ ला रहे हों, जितने ज्ञान को वो प्राप्त कर रहे हों, उनको वो अपने अभिवृत्तियों में शामिल करें, उनको वो ऐसे माने कि वह उनके कार्य हैं, उनमें वह मूल्य आना चाहिए जिनको वो अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। पर्यावरण अध्ययन का ध्यान बच्चों के मनोवैज्ञानिक व भावात्मक क्षेत्र पर केंद्रित है। मतलब बच्चे जैसा सोचते हैं उनको उस सोच से ऊपरी स्तर तक लाने का हमें प्रयास करना है। हमें उन क्षेत्र को ध्यान देना है जो कहीं से कुछ पर्यावरण के प्रति सकारात्मक ना हो, तो हमें उस पर प्रयास करना है कि वह और ज़्यादा अच्छे हो सकें और ज़्यादा सुदृढ़ हो सके। अगर हम यह जानना चाहें मूल्य जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कैसे आते हैं, तो हम इस बात को समझें कि पर्यावरण अध्ययन में हमारा मुख्य उद्देश्य तो विश्वव्यापक मूल्यों के रोपण का है, लेकिन विश्वव्यापक मूल्यों तक पहुंचने के लिए हमारे बच्चों को सबसे पहले इस बात का ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास, जैसे हमारा घर, हमारा सामाजिक और प्राकृतिक पर्यावरण कैसा है।
आप अध्यापकों को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि जो बच्चा है वो किस घर से आ रहा है, वहाँ का सामाजिक और प्राकृतिक वातावरण कैसा है, पालन पोषण का ढंग कैसा है, उसमें विश्वास और निष्ठा की भावना कितनी डाली जा रही है। इसको समझने के लिए अगर हम समझें कि अगर मेरे घर में मुझसे ये कहा जाता है कि बच्चे कमरे से जब बाहर निकलना तो लाइट बंद कर देना, या बाथरूम में अगर बेवजह पानी बह रहा है तो उसे बंद कर दें, तो हमारे घर से ही हमारे अंदर ऐसे पर्यावरणीय मूल्य का रोपण हो जाता है जो हमें बाहर जाके सीखने की ज़रूरत नहीं होती। सामाजिक पर्यावरण को हम ऐसे कुछ समझें कि जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे सामाजिक पर्यावरण में हमारे बड़े बूढ़े, हमारे वृद्ध हमारे आसपास होते हैं, हम उनसे मुस्कुरा करके नमस्कार करते हैं, हम उनसे मिलते हैं और हम उनको कहते हैं कि आप कैसे हैं। ऐसा कहने से उनके अंदर का जो सामाजिक वातावरण है वो पुष्ट होता है, वह एक अच्छी आदतों का निर्माण करते हैं। पालन पोषण के ढंग को इस प्रकार से समझिए, जिन बच्चों को डांट करके या बिना किसी ध्यान दिए हुए बड़ा किया जाता है, क्योंकि मैं पालन पोषण नहीं कहूँगा, क्योंकि पालन पोषण में किसी न किसी प्रकार से तो वो देखेंगे ही बच्चों को, लेकिन कई ऐसे परिवार होते हैं जहाँ पे शायद बच्चों को ध्यान ही नहीं दिया जाता कि वह क्या कर रहे हैं। जब हम उनको ध्यान देते हैं, हम उनको बताते हैं कि वह क्या कर रहे हैं, वो जो टॉफ़ी के रैपर्स को अपने घर में अपने आसपास अपने बगल बगल रख रहे हैं, उनको वो वहाँ ना रखें और उसको उठा करके डस्टबिन में डालें, तो उनके अंदर एक ऐसी मूल्यों का निर्माण होता है जो सामान्य तरीके से हम अपने घरों में कर सकते हैं। जब हम बच्चों को कहते हैं अरे वाह तुमने तो बहुत अच्छा काम किया, तुमने इतना अच्छा सफाई किया अपने अध्ययन के टेबल का, आप जब उनके अंदर इस सफाई किए हुए क्षेत्र को समझाते हैं और उनको बताते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और उनमें इस बात का सोच रखते हैं कि तुम ये कर सकते हो, तो उनमें बदलाव आता है और उनमें नए मूल्य आते हैं। हमारे अंदर पर्यावरणीय अध्ययन के लिए कुछ और भी मूल्य सोचे गए हैं जिनको आप अध्यापकों को हमारे बच्चों में डालने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे जीवन के सभी रूपों के लिए आदर, सभी रूपों के लिए आदर का तात्पर्य जैसे कि हमारे सामने यह टेबल है, इस टेबल में जीवन नहीं है, लेकिन यह टेबल भी लकड़ी से बनी हुई है तो हमें इसको संभाल करके रखना है। दूसरा मूल्य है विविधता का, विविधता जैविक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, सांस्कृतिक हो सकती है और धार्मिक हो सकती है, हमें इन सभी की सराहना करने की मूल्य रखनी चाहिए। कितना खूबसूरत फूल है, वाओ कितना सुंदर चिड़िया है, अच्छा आपके यहाँ ऐसा होता है, यह हमारे जैविक और सामाजिक और सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता को सराहना के उद्देश्य हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि मैं दूसरे से अलग हूँ, हमारी कक्षा में जो बच्चा आता है वह एक दूसरे से भिन्न है और इस भिन्नता को हमें स्वीकार करना है। कोई गोरा है, कोई सांवला है, किसी के घुंघराले बाल हैं, किसी के भूरे बाल हैं, यह हमारे जैविक विविधता के उदाहरण है। ये भिन्नता लाता है और उस भिन्नता को हमें स्वीकार करना है, तब हम नए मूल्यों को हमारे और हमारे विद्यार्थियों में डाल सकते हैं। हमें यह मानना पड़ेगा कि जो हमारे विचार हैं उनमें कुछ खुलापन आना चाहिए। हम कुछ भी करें उसको करने से पहले इस बात को समझें कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसको करने से हमारे पर्यावरण को किस प्रकार से किसी भी प्रकार का फ़ायदा या नुकसान होगा। जब हम ऐसा करते हैं तो हम स्वयं से समझते हैं कि हमें करना चाहिए यह कार्य या नहीं करना चाहिए, जिससे हमारे अंदर शांति आती है और जब हम शांति अपने अंदर ला पाते हैं तो हमें सद्भाव उत्पन्न होता है, हम सहनशील बनते हैं कि कैसे हम हमारे किसी एक छोटे से कार्य के करने से बेहतर जीवन ला सकते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको आज हमारे इस व्याख्यान में पर्यावरण से जुड़े हुए विशेषताओं को जानकर के अच्छा लगा होगा। सबसे पहला यह एक संयुक्त क्षेत्र है,
दूसरा यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ संदर्भ पर्यावरण का है, तीसरा यहाँ पे जो अध्ययन होता है और अध्यापन होता है वह अध्येता केंद्रित होता है, चौथा यहाँ पर कुछ भी सही नहीं है, कुछ भी गलत नहीं है क्योंकि यह हमारे बच्चों के अंदर खोज की भावना को विकसित करता है, तीसरा हमारे पर्यावरण अध्ययन में मूल्य एक अनिवार्य अंग है। मैं आशा करता हूँ आपको यह जान करके सीख करके अच्छा लगा होगा। हम अपने अगले व्याख्यान में फिर से मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।